प्रणाम श्रीमान। प्रणाम। प्रणाम। आइए श्रीमान। विराजिए श्रीमान। हम एक अजीब मुश्किल में फंस गए हैं महात्मा। कभी कभी तलवार खून का रिश्ता भी काटने के लिए उठती है। हमारे काका साहब ने पेशवा के गद्दी के लिए हमारे विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया है। जानता हूं श्रीमान। दौलत और हुकूमत के लालच में श्रीमंत रघुनाथ राव आंखें रखते हुए भी अंधे हो गए हैं। वो अकल के भी अंधे। हमने उन्हें संदेशा भेजा था कि हथियार उठाने से पहले हथियार डालने की बात की जाए, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। जवाब यह भेजा कि अब युद्ध के मैदान में ही भेंट होगी। वो अपने भतीजे से युद्ध करना अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते, न सही। लेकिन आप तो अपने काका साहब से युद्ध करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध जरूर समझते हैं। इससे आप बड़े हो जाते हैं श्रीमंत और वो छोटे। श्रीमंत, आपने शांति के लिए अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप युद्ध के लिए भी कर्तव्य पूरा कीजिए। श्रीमंत रघुनाथ राव ने अपनी तबाही को खुद दावत दी है, आप ये दावतनामा कबूल कर लीजिए श्रीमंत। जी श्रीमंत, ताकि उनकी आंखें खुल जाएं और वो साफ देख ले कि उनके बिना भी आप पेशवा की गद्दी और मराठा राज्य की बागडोर संभाल सकते हैं। और हमेशा के लिए फैसला हो जाए कि उनका रास्ता क्या होगा और उनकी मंजिल क्या होगी। निर्णय लेने में देर न कीजिए श्रीमंत, वरना निजाम और अंग्रेज अपने मतलब से उनकी मदद को पहुंच जाएंगे। महात्मा, हमसे ज्यादा आपने तलवारों के झनकार और तोपों की गरज सुनी है। आप वीरों के संग भी लड़े हैं और उनके विरुद्ध भी। आपका निर्णय हमारा निर्णय होगा। कदम उठाइए और काका साहब की सेना पर ऐसी गोलाबारी कीजिए कि उनकी ताकत राख हो जाए। श्रीमंत का आदेश सर आंखों पर, लेकिन अगर आप पूरा न माने तो आपसे एक विनती करूंगा। श्रीमंत रघुनाथ राव लाख हमें पराया समझे, लेकिन हम उन्हें अपना समझेंगे। वो हमारे पूजनीय हैं। हम भी मराठे हैं और उनके सिपाही भी मराठे हैं। उनका नाश करना अपने भाई बंधुओं का नाश करना है। इसलिए श्रीमंत, हमें उनसे इस तरह से युद्ध करना है कि उनकी विजय भी ना हो और उनकी हानि भी कम से कम हो। हम आपसे सहमत हैं। आप जो रणनीति अपनाना चाहें अपना सकते हैं। हमें आपकी वफादारी, बहादुरी और समझबूझ पर पूरा विश्वास है और आपके सेवाओं पर गर्व है। यह मेरा सौभाग्य है कि श्रीमंत मुझसे सहमत है। अब हम आराम करेंगे। प्रणाम श्रीमान। सलाम श्रीमान।